अखाड़ा में अब बात रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के फॉर्मूला की। यूक्रेन में चल रही जंग दिन ब दिन दुनिया के सामने नई चुनौतियां लेकर आ रही है। अब यूक्रेन का दौरा करके लौटे लेखक और पत्रकार हमीद रेजा ज़रीफ़ीनिया ने चेतावनी देते हुए उस पुरानी रोमन कहावत को दोहराया है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। उन्होंने इस जंग में जो हालात देखे हैं वो इस बात की ओर साफ संकेत देते हैं कि दुनिया को रूस के खिलाफ इस जंग में उतरना ही होगा। यानी इस चेतावनी का सीधा सा मतलब है विश्व युद्ध। जिसने यूक्रेन की तबाही को करीब से देखा है, जिसने यूक्रेन की धरती पर बर्बादी को देखा है, जिसने यूक्रेन में जंग का खौफनाक चेहरा देखा है, जिसने यूक्रेन में रूस की बर्बरता को देखा है, जिसने यूक्रेन में कादिरफ का खूनी खेल देखा है, जिसने पुतिन के साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने यूक्रेन जंग पर दुनिया को चेतावनी दी है, यूक्रेन में तबाही पर सबसे बड़ी गवाही यूक्रेन की धरती पर लड़ी जा रही जंग को 60 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जंग हर घंटे हर घड़ी और भयानक होती जा रही है। रूस जहां यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की रणनीति को अंजाम दे रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना सहयोगी देशों के हथियारों के बल पर लगातार इस जंग को खींच रही है। अब इसी जंग के चश्मदीद ने दुनिया के सामने उस सच को रखा है जो हकीकत में कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। हमीद रेजा ज़रीफ़ीनिया, पेशा लेखक और पत्रकार। युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले हमीद रेजा ने यूक्रेन से लौटने के बाद रोमन जनरल वेगेटियस की उस कहावत का जिक्र किया है जिसमें कहा जाता है अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। यहां हमीद रेजा ने इस मशहूर रोमन कहावत को यूं ही नहीं कहा है बल्कि इसके पीछे हमीद रेजा ज़रीफ़ीनिया के वो खौफनाक अनुभव हैं जो उन्होंने साक्षात यूक्रेन युद्ध में महसूस किए हैं। यूक्रेन युद्ध की कवरेज के बाद लौटे ईरानी मूल के युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा ज़रीफ़ीनिया ने दावा किया है कि इस जंग में दुनिया को आगे आना होगा। युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा ने यह भी कहा है कि अगर इस युद्ध का अंत चाहते हैं तो दुनिया को सामने आना होगा। इतना ही नहीं, ईरानी मूल के युद्ध विशेषज्ञ हमीद रेजा ज़रीफ़ीनिया ने यह भी कहा है पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई होनी चाहिए, देश में नो फ्लाई जोन का ऐलान होना चाहिए, पश्चिमी देशों को मुखर होकर रूस के खिलाफ हस्तक्षेप करना चाहिए। ब्रिटिश वेबसाइट से बात करते हुए हमीद रेजा ने कहा ऊंचा शहर में 410 से ज्यादा नागरिकों और सामूहिक कब्रों के शवों की खोज, मारियोपोल के बंदरगाह में रूसी युद्ध अपराधों में इजाफा, ये तमाम बातें हैं जो ये बताती हैं कि पश्चिमी हस्तक्षेप और सैन्य कार्रवाई की जरूरत है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में रूस की बर्बरता के चश्मदीद रहे हमीद रेजा ने इन हालात की तुलना हिटलर और स्टालिन से कर दी है। ये मानवीय आपदाएं हिटलर, स्टालिन और स्लोबोडन
मिलोसेविक के हमलों की याद दिलाती हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतना ही नहीं, मारियोपोल में रूसी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुतिन की सेना ने युद्ध अपराध के चरम को पार किया है, जिस वजह से आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो चुका है। लोगों के पास न तो खाना है और न पीने का पानी। यूक्रेन का ये सच दुनिया के सामने लाने की वजह से ही ईरानी पत्रकार के दावे और उनकी चेतावनी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस की